पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी को लेकर चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में बात नहीं बन पाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के शेयर को देने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में एक घंटे चली मीटिंग में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपना पक्ष रखा, लेकिन पंजाब के सीएम ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए हिस्सेदारी देने से साफ मना कर दिया। अब इसी मुद्दे को लेकर 3 जुलाई सुबह 11 बजे अगली मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के बाद भगवंत मान ने कहा कि 1970 में बंसीलाल हरियाणा के सीएम थे, उन्होंने अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी से हिस्सा निकाल लिया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कॉलेज जोड़ दिए। इस वक्त यूनिवर्सिटी को 40% फंड पंजाब दे रहा है। हिमाचल ने भी अपनी मर्जी से हिस्सेदारी छोड़ी। इसके बाद पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की गेम चली। भगवंत मान ने 26 अगस्त 2008 की पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की पीएम मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी दिखाई, जिसमें उन्होंने पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना होने की बात कही। पंजाब के लोगों नाल इमोशनल साहित्यिक कल्चरल तौर पर जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी के विच तां असीं अज उन्होंने कहा कि साडे वल्लों कोरी ना है, असी किसी कॉलेज नूं हरियाणे दे नूं एफिलिएशन नहीं दे सकते। वो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, मैं कहा जी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जिहड़ी है वो वधिया यूनिवर्सिटियां 'च आउंदी है, तुसीं उत्थों की गल यूनिवर्सिटी तुहाडे स्टाफ नहीं हैगा जां यूनिवर्सिटी ठीक पढ़ाउंदी नहीं, इधर क्यों आना चाहते हैं बच्चे साढ़े वाल, ना थोड़ा कोई बट बनना समझा साढ़े नाल इत्थे यूनिवर्सिटी 'च, तो तुसीं इधर क्यों आना चाहते हो? वो जी बस बच्चे चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो करिए। मैं कहता मैं तुम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की इन्नी रेपूटेशन भी नहीं बना सके कि बच्चे चाहन कि असं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लीए। फिर वो कहते पैसे देवे मान साहब, असी एक गल भी कही अभी वापस उन्हें पैसे देवे या बद दे, कह दो बद देवे पैसे। मैं क्या जी फिर पैसे दे के तो फिर तुम कल कह दोगे पंजाब का की रेट रखे, तुम पंजाब ले लेंगे असं, ये पैसा ना हिस्सा पैदा होंगे कित, ये कोई मतलब संविधानिक गल्लां ने कि पैसे दिने जी साडा हिस्सा पाओ। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को बेहतर शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है सरकार। हरियाणा के युवाओं और कॉलेज को मिले पंजाब यूनिवर्सिटी का विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के एफिलिएशन से विश्वविद्यालय में हरियाणा के छात्र भी शिक्षा ले पाएंगे। हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हिस्सा तो हमारा पहले ही है। हरियाणा तो 1966 में बन गया था, उसके बाद भी लगातार हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेंगे और मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, हालांकि मैं पढ़ता एसजी कॉलेज में था लेकिन ये एफिलेटेड थे। मैंने 72 में ग्रेजुएशन की थी और उसके एक दो साल के बाद वहाँ से डिसएफिलेट हो गए थे, तो दोबारा एफिलेट कराना, हिस्सा तो हमारा पहले ही है, नहीं तो 66 में ही ख़त्म हो जाता।